हेलो स्टूडेंट, आई मुस्लिम असलम. दिस इज़ लेक्चर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन का एक उसके प्रोसेस देखे थे. केस वन, केस टू, कितने कंडीशन होती हैं वो सारी देखी थी आपने. और ये देखा था कि कैसे उस डायग्राम को हम क्लिप करते हैं. सबसे पहले तो हमने उसमें ये देखा था कि कोई भी विंडो है आपके पास, पॉलीगन क्या होता है, व्हाट इज़ पॉलीगन. तो पॉलीगन क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप आपका है जिसकी थ्री साइड्स हैं, या वो आपका क्या कहलाता है? पॉलीगन कहलाता है. ठीक है, उसको आपको विंडो पे क्लिप करना है. तो विंडो पे क्लिप करने के लिए आपको किस में देखना पड़ता है? विंग पेन में देखना पड़ता था. जो विंडो आपको दिख रही है वो कैसे आफ्टर क्लिपिंग होके आ रही है, तो वो सारी कंडीशन आपको करनी थी. तो क्या था कि हम जब केस देख रहे थे तो हमने ये केसेस देखे थे आपको. जब मैंने ये पढ़ाया था सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम के, ये केसेस देखे थे. केसेस हमने देखे थे कि कोई भी आपका जो आउटसाइड है, कोई वर्टिसेस, वो इनसाइड जाती है जब किसी भी विंडो पे, तो वो व्यूइंग पेन में उसकी डायरेक्शन को देखती है और उसका क्या देखती है कि कौन सी विंडो, कौन सी लाइन आपकी जो वर्टिसेस है वो अंदर की तरफ है. ठीक है, तो उस वर्टिसेस को वो लेती है और एक डायरेक्शन चेक करती है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है. ठीक है, तो ये हमारा एक न्यूमेरिक, ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है. क्वेश्चन खाली आप क्वेश्चन देखिए पहले. ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये ओरिजिनल है. ठीक है, इसको हम कैसे डिवाइड करें? हमें ओरिजिनल जो इसने शेप दे रखा है वो दे रखा है ए बी सी डी ई. ठीक है, वो दे रखा है. ये ई डैश और डी डैश को भी भूल जाओ, ये हम जब क्लिप करेंगे तब होगा. अभी ओरिजिनल जो हमारे पास एक क्वेश्चन है वो है ई टू ए, ए टू बी, बी टू सी जा रहा है, सी टू डी और डी टू ई जा रहा है. अभी डी डैश और ई डैश को इसमें भूल जाओ. तो हमें इस न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले इसकी क्लिपिंग करनी है. क्लिपिंग करने के लिए आपको याद दिला दूं, मैंने बताया था जब मैं आपको थ्योरी बता रही थी कि हमें कोई भी ओरिजिनल पॉलीगन है, तो मान लिया वो ओरिजिनल हमारा एग्जांपल है, ओरिजिनल न्यूमेरिकल है ओरिजिनल, उसको हम पहले लेफ्ट क्लिप करेंगे, फिर राइट क्लिप करेंगे, फिर बॉटम क्लिप करेंगे, फिर टॉप क्लिप करेंगे, फिर आपका क्लिप्ड होके एक पॉलीगन मिलेगा, वही आपका आंसर होगा. ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम ओरिजिनल पॉलीगन को लेफ्ट और राइट क्लिप करके कैसे आपका वो क्लिप्ड होके आपका पॉलीगन आपको दिखाई देता है लास्ट में. ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे, हम समझ लेते हैं. एक रफली मैंने आपको दिखाया है कि कोई भी डायग्राम है, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिया है, तो उसका लेफ्ट, जब लेफ्ट साइड आप पॉलीगन वो लगाओगे कि लेफ्ट क्लिप करोगे, तो लेफ्ट विंडो का लेफ्ट साइड देख लीजिए, मैंने उसको जो डार्क डार्क कर रखा है, तो उस साइड क्लिप करोगे तो विंडो उस साइड से हट जाएगी. राइट साइड करोगे तो राइट साइड की तरफ मैंने बाउंड्री को डार्क कर रखा है, इसको क्लिप करोगे. बॉटम साइड जो विंडो का है उसको क्लिप करोगे, फिर आपका टॉप साइड ऊपर की तरफ को क्लिप करोगे, तो क्लिप कर करके आपको जो विंडो पे मिल रही है, तो लास्ट में जो आपको विंडो पे जो कुछ इमेज दिखेगी, जो पिक्चर दिखेगी या पॉलीगन दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा. जो बाहर, जो विंडो के बाहर चीज़ें थी वो सारी क्या हो गई हैं, वो रिजेक्ट कर दी गई हैं वो लाइनें. तो आप अभी देखोगे तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में देखिए, आप सबसे पहले हम लेफ़्ट क्लिप करेंगे. तो लेफ़्ट क्लिप करने के लिए क्या होता है कि क्लिप कर रहे हो आप किसी को, तो वो क्या करोगे, लेफ़्ट क्लिप में आप आउटपुट लेफ़्ट बाउंड्री देखोगे. आउटपुट आपको लेफ़्ट बाउंड्री के हिसाब से देखना है. तो मैंने लेफ़्ट बाउंड्री को देखो, सबसे ऊपर जो आपका ओरिजिनल था उसी को मैंने लेफ़्ट बाउंड्री को डार्क डार्क कर दिया है. ठीक है, ठीक है, उसको डार्क डार्क कर दिया, यानी कि हम अभी लेफ़्ट साइड क्लिप कर रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या लेंगे, एक लेंगे वर्टेक्स पेयर और एक लेंगे आउटपुट वर्टेक्स. ये दो मेन हैं, वर्टेक्स पेयर और आउटपुट वर्टेक्स. ये जो मैंने केस बीच में ले रखे हैं, ये आपको समझाने के लिए, रफली समझाने के लिए ले रखे हैं. आप एग्ज़ाम में भी दिखाओगे तो कोई ये गलत नहीं होगा. ठीक है, वो आप अपने एग्ज़ाम में दिखाने के लिए आपको भी सही रहेगा, और वैसे भी आपको ये केस लिख लेते हो तो इससे आपको चीज़ें याद रहती हैं. तो देखिए, मैंने सबसे पहले क्लिप करा है, तो मैंने पर सबसे पहले वर्टेक्स पेयर बना लिए. तो वर्टेक्स पेयर जो आपकी ओरिजिनल था उस पर क्या था, ए बी, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, सी डी का पेयर बना लिया, डी ई के साथ पेयर बना लिया, ई का ए के साथ पेयर बना लिया. ठीक है, डी डैश ई डैश तो क्लिप करने के बाद आए हैं, जो हमने लेफ्ट क्लिप किया उस पर आए हैं. ठीक है, तो लेफ्ट क्लिप पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ए बी, ए बी देखिए आपका कहाँ है. ए बी जो है वो लेफ़्ट साइड बाउंड्री पे तो है नहीं, वो आपका ऊपर की तरफ है और वो विंडो के अंदर आ रहा है. मतलब ए बी आपका विंडो में इन है और बी बी इन है. तो मैंने लिख दिया ए की जगह इन, केस जो लिखा उसमें इन इन, मतलब जो आपका विंडो के अंदर है वो विंडो के अंदर है, क्योंकि हम यहाँ इस साइड का क्लिप कर ही नहीं रहे तो हम इस साइड क्यों देखें.
तो हम जो है ए बी को देखना, ए बी जो दोनों चीज़ें हैं वो विंडो के अंदर हैं, ठीक है। तो आपसे ए से बी पे आप जा रहे हो, इन हैं, तो इन में क्या होता है कि कोई डायरेक्शन आप दिखाते हो तो जो लास्ट डेस्टिनेशन होती है वो आपका आंसर आता है। तो ए टू आप बी गए तो एरो देखिए, एरो के बाद क्या आपको मिल रहा है, बी, लास्ट डेस्टिनेशन क्या मिल रही है, बी, ठीक है। तो जो ए बी आप गए तो आपको लास्ट डेस्टिनेशन बी मिली, ठीक है। तो बी आपका जो आंसर होगा, आउटपुट वर्टेक्स होगी ए और बी वाले पेयर में, वो क्या होगी, बी होगी, ठीक है। अब बी टू सी देखेंगे, अब बी से हम सी की तरफ जा रहे हैं, हमें यहाँ कुछ क्लिप तो करना है नहीं, तो बस बी से सी की तरफ देखेंगे। तो बी से सी पे आपकी लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, सी है, क्योंकि बी से सी पे जा रहे हैं, तो बी से सी पे एरो जो देंगे आप, उसकी लास्ट डेस्टिनेशन आपकी क्या है, वो है सी, आपको सी मिलेगा, आउटपुट वर्टेक्स जो मिलेगा सी मिलेगा। ऐसे ही आप सी से डी चेक करोगे, सी से डी, सी डी भी आपके विंडो के अंदर है, इन कंडीशन है केस में, तो सी से डी चेक करोगे तो सब, तो सी से आप एरो जाएगा आपका डी की तरफ, तो डी आपका क्या है, विंडो के अंदर डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन को ये ले लेता है, तो उसने डी ले लिया, ठीक है। आउटपुट वर्टेक्स आपको क्या मिला, डी मिला। ऐसे ही डी और ई से आप चेक करोगे, डी और ई, तो देखिए डी आपका अंदर की तरफ है विंडो के, और ई आपका क्या है, विंडो की बाहर, क्योंकि हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड के जितने भी इधर हैं वो विंडो के अंदर हैं, और लेफ्ट साइड के जो बाहर हैं वो विंडो से बाहर हैं आपके। तो जो आप देख रहे हो, आपने डी ई देखा, तो डी ई आपका क्या है, विंडो के बाहर है, तो विंडो के जब बाहर है डी ई, तो डी आपका इन है, और आउट आपका क्या है, ई, ई आपका आउट है। तो आप देखो कि आपने जब डी से सबसे पहले एरो दिया ऊपर की तरफ, तो डी तो अभी अंदर है, आप जैसे ही बाउंड्री पे आए, तो यहाँ से आप डी से एरो लेके जा रहे हो, तो हमने एक उसको पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को रख दिया नाम डी डैश, ठीक है, डी डैश, और आपका ई की तरफ गया। तो अब यहाँ से आपकी कौन सी चीज़ सेव होगी जो विंडो के अंदर है, डी से तो आप देख रहे हो, तो ओनली डी डैश आपका सेव हो जाएगा, डी टू ई में आपको क्या मिलेगा, डी डैश, ई तो आपका बाहर था, ठीक है। ऐसे ही हम चेक करेंगे ए, ई टू ए, ई टू ए में सब चेक करोगे तो ई, ई से जैसे इन हो रहे हैं विंडो की तरफ, विंडो की तरफ इन हो रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ई डैश, ई डैश, तो हमें क्या मिलेगा, ई डैश और ए, ठीक है। आउट और इन, आउट से जैसे आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो आपको ई डैश मिल रहा है, ई डैश आपका सेव हो रहा है, ठीक है, और आपको ई डैश और ए आपका सेव हो गया। तो आपको जो आउटपुट वर्टेक्स मिली वो क्या मिली, ई डैश और ए। तो आपको अब जो क्लिप हुई थी विंडो, अब लेफ्ट क्लिप कर दी, देखो मैंने जो सेकंड डायग्राम इसका बनाया उसमें मैंने लेफ़्ट साइड क्लिप कर दिया, क्योंकि वो हमारा क्लिप होके हमें आंसर मिल गया, कुछ इस तरीके से मिला। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड क्लिप करेंगे। तो राइट साइड क्लिप करने के लिए मैंने देखो राइट साइड बाउंड्री को डार्क डार्क कर दिया है, कैसे उस पर क्लिप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सेम वही वर्क कर लेंगे जैसे पहले किया था, सिमिलरली वैसे ही किया, वर्टेक्स पेयर ले ली, आउटपुट वर्टेक्स ले ली, केस ले लिए, ठीक है। तो अब वर्टेक्स पेयर कैसे लेंगे, अब ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, अब यहाँ से आपको मिल चुका है डी टू डी डैश, डी टू डी डैश मिला है, तो हमने वो ले लिया, और डी डैश टू ई डैश मिला है वो ले लिया, और ई डैश से ए डैश ले लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे ए और बी, बी आपका क्या है, बाउंड्री के आउट है, मतलब कि जो आपकी आउट साइड, आप राइट साइड कर रहे हो ना क्लिप, तो राइट साइड जो बाउंड्री है उसके बाहर है आपका बी, तो बी आपका बाहर है, तो इन और आउट की कंडीशन है। तो ए से आप सबसे पहले चेक करोगे ए टू बी, तो आप जैसे ही अंदर की तरफ, जैसे ही ए बाहर जाता है बाउंड्री के, तो उसको वहाँ मिल जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ए डैश, तो यहाँ पर आपका क्या सेव होगा, ओनली ए डैश, ठीक है। उसके बाद आप बी टू सी देखोगे, बी टू सी देख रहे हो, तो बी टू सी में आपका बी जो है वो बाहर है, आउट है, सी इन है, तो बी से जैसे ही वो अंदर की तरफ बी एंटर होगा, तो उसे वहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है बी डैश, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या सेव हो रहा है, बी डैश और सी, ठीक है। तो ये आपका बी डैश और सी आपका सेव हो गया, आउटपुट वर्टेक्स जो मिली वो बी डैश और सी मिल गया। अब सी से हम चेक करेंगे डी, अब जो सी और डी चेक करेंगे वो तो दोनों आपकी इन इन है, क्योंकि वो विंडो के अंदर ही है, राइट साइड उसका कोई भी लेना देना नहीं है उसका। तो सी से डी जब चेक करेंगे तो आपकी जो डेस्टिनेशन है, सी से डी जाने पर जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो डी है, तो वो सेव हो जाएगी, आउटपुट वर्टेक्स आपको डी मिल जाएगा। ऐसी डी टू डी, डी डैश चेक करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ भी कोई क्लिप लिप तो हो नहीं रहा, दोनों चीज़ें आपकी इन इन है, तो आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन थी वो डी डैश मिल जाएगा। ऐसी डी डैश टू ई डैश चेक करेंगे, ये भी दोनों कंडीशन इन इन है, तो आपको यहाँ भी लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, ई डैश, डी डैश से जब ई डैश चेक करेंगे तो लास्ट डेस्टिनेशन आपके आउटपुट वर्टेक्स ई डैश मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी ई डैश से आप ए चेक करोगे,
तो जब ए चेक कर रहे हो, ये भी दोनों इन इन कंडीशन है, तो आपको लास्ट डेस्टिनेशन क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो ये आपका राइट क्लिप भी हो गया। अब राइट क्लिप होके विंडो पे देखो, कुछ डायग्राम आपको इस तरीके से दिखेगा। अब ये राइट लेफ्ट क्लिप भी हो गया, राइट क्लिप भी हो गया, और आपका टॉप और बॉटम बचा। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, हम अब बॉटम क्लिप करेंगे। बॉटम क्लिप करने के लिए भी हम वही सेम सिमिलरली वैसे ही टेबल बना लेंगे, वर्टेक्स पेयर ले लेंगे, केस ले लेंगे, आउटपुट वर्टेक्स ले लेंगे। तो वर्टेक्स पेयर आप बनाओगे वो कैसे बनेंगे, ए टू ए डैश, ए डैश बी डैश लोगे, जो जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये विंडो पे, वी डैश सी ले लेंगे, सी टू डी डी ले लेंगे, फिर इसके बाद डी टू डी डैश कर लेंगे, फिर डी डैश से ई डैश देख लेंगे, फिर ई डैश से ए, फिर ये हमने सारी वर्टेक्स पेयर बना लिए। जैसे हमारा लास्ट और राइट क्लिप करने के बाद जो स्क्रीन पे जो विंडो पे जो शो हो रहा है उसके हमने वर्टेक्स पेयर बना लिए। अब हम आउटपुट वर्टेक्स चेक करेंगे, ए टू ए डैश। तो सबसे पहले ये तो कोई क्लिप हो नहीं रहा है, अब हमारी बॉटम क्लिप हो रहा है, तो मैंने बॉटम वाली लाइन को देखिए नीचे विंडो पे डार्क डार्क कर दिया है, ठीक है। तो ए टू ए डैश में तो कुछ क्लिप हो ही नहीं रहा है, दोनों विंडो के अंदर है, तो यानी कि इन इन कंडीशन है, तो लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, ए। जब हमारा विंडो के अंदर होगा, इन इन कंडीशन होगी, तो वहाँ से सिर्फ लास्ट डेस्टिनेशन चेक करते हैं, ए डैश। तो हमें क्या मिला, ए डैश, आउटपुट वर्टेक्स ए डैश मिल गई। अब ए डैश टू बी डैश चेक करेंगे, ए डैश बी डैश में भी हमारा कोई दोनों अंदर की तरफ है, तो हमारा बी डैश क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, आउटपुट वर्टेक्स बी डैश मिल जाएगी। वी डैश टू सी डैश जब चेक करेंगे, इसमें भी हमारा लास्ट डेस्टिनेशन सी है, तो सी मिल जाएगा। ऐसे ही सी टू डी चेक करेंगे, सी टू डी चेक करेंगे, अब हमारा होगा, क्योंकि सी जो है वो इन है और डी आपका बाउंड्री के बाहर है, आउट है, मतलब जब आप बॉटम पे केस लगा रहे हो, तो बॉटम पे केस लगाने के सी से जब वो चल रहा है, तो उसे जब इंटरसेक्शन पॉइंट मिला बाउंड्री से बाहर जाने से पहले, तो उसने उसको इंटरसेक्शन पॉइंट को सी डैश नाम दे दिया, ठीक है। अब वो जब उसने देखा सी डैश नाम दिया, तो उसका उसका सेव क्या हुआ, उसका सेव जो हुआ है वो हुआ है सी टू सी डैश में। देखिए आप सबसे पहले आपने जब चेक किया, तो बी डैश आपने सी चेक किया, आप सी टू डी चेक कर रहे हैं, तो आपका क्या सेव हो रहा है, ओनली सी डैश, क्योंकि डी आपका बाहर की तरफ है, तो आउटपुट वर्टेक्स आपको क्या मिल रही है, सी डैश। अब डी टू डी डैश चेक करेगा, तो एक आउट है एक इन है, आपका डी आउट है और डी डैश इन है, तो यहाँ भी डी जब आगे बढ़ेगा तो क्या लेगा, डी डैश तो उसके पास ऑलरेडी पहले से था, तो उसने डी डबल डैश ले लिया, ठीक है। तो आपका अब क्या सेव हो जाएगा, डी डबल डैश और डी डैश, ठीक है। ऐसे ही डी डैश और ई डैश करेगा, ये दोनों इन इन है, तो आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो ई ले लेगा, उसने ई को सेव कर लिया, आउटपुट वर्टेक्स जो है ई वो सेव हो गया आपका, ठीक है। अब ई डैश टू ए ले लेगा, ई डैश टू ए जब चेक करेगा, दोनों इन इन कंडीशन है, तो आपका जो लास्ट डेस्टिनेशन है ए वो सेव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बॉटम क्लिप हो जाएगी विंडो पे, और उसकी टेबल भी मिल जाएगी, वर्टेक्स के पेयर मिलेंगे और आउटपुट वर्टेक्स भी आपको मिल जाएगी नई वाली। तो आप देखिए कुछ आपका डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, बॉटम भी आपका क्लिप हो चुका है, अब सिर्फ बचा है आपका टॉप क्लिप। तो टॉप क्लिप कैसे करोगे, टॉप क्लिप के लिए सिमिलरली वैसे ही टेबल बना लोगे। आपने टेबल बनाई और मैंने टॉप पे देखिए लाइन डार्क डार्क कर दी है उसकी बाउंड्री पे, उसके बाद मैंने वर्टेक्स पेयर लिया है, आउटपुट वर्टेक्स लिया और उसके केस लगाए, ठीक है। इसको लेने के लिए सबसे पहले आपने जो आपके पास पेयर बचे हैं उनको लिख लेंगे, ए टू ए डैश ले लिया, ए टू बी डैश ले लिया, बी टू सी डैश, सी टू सी डैश, सी डैश डी डबल डैश ले लिया, ऐसे डी डबल डैश टू, हमने ये पूरे पेयर लिख लिए, वर्टेक्स पेयर लिख लिए, उसके बाद चेक करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेगा टॉप, अब देखो ए जो है वो आपका टॉप पे है, तो ए क्लिप हो रहा है, तो ए क्लिप हो रहा है, तो अब जैसे ही वो विंडो के अंदर गया तो उसे क्या मिल जाएगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसने उसका नाम रख दिया ए डबल डैश, और ए डैश आपका था, तो क्या दो चीज़ें सेव हुई, ए डबल डैश और ए डैश आपका सेव हो गया। उसके बाद आपको मिल रहा है ए डैश बी डैश, मतलब यानी कि ए डैश बी डैश आपका टॉप से अगर देख रहे हैं तो विंडो में इन है, दोनों कंडीशन आपकी इन इन है, तो लास्ट डेस्टिनेशन आपकी क्या मिल जाएगी, बी डैश। तो आपको बी डैश जो आउटपुट वर्टेक्स था वो बी डैश आपको मिल गया, बी डैश आपका सेव हो गया। अब आप देखेंगे बी टू बी डैश टू सी डैश, अब बी डैश टू सी डैश कैसे जा रहे हो आप, देखिए आपका जो बी डैश है वो आपका इन है और सी डैश भी इन है, तो यानी कि लास्ट डेस्टिनेशन आपकी क्या है, सी है, तो आपका सी जो होगा वो सेव हो जाएगा और वो आउटपुट वर्टेक्स होगी वो सी मिल जाएगी। ऐसे ही अब आप चेक करोगे वर्टेक्स पेयर सी टू सी डैश में, तो
तो सी टू सी डैश में आपका क्या मिल रहा है, ये भी इन इन कंडीशन है तो सी डैश मिल जाएगा, ठीक है। अब सी डैश टू डी डैश जाएंगे, डी डबल डैश जाएंगे तो डी डबल डैश आपकी जो होगी वो वर्टेक्स आउटपुट मिल जाएगा, ये भी आपका सेव हो गया। उसके बाद डी डबल डैश टू डी डैश जाएंगे तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है कि डी डैश आपकी लास्ट डेस्टिनेशन है तो ये सेव हो जाएगी, और इन इन दोनों कंडीशन थी इसलिए मैंने ये सेम लगा रखा है तो डी डैश आपको मिल जाएगा। ऐसे ही डी डैश टू ई डैश चेक करेगा, ये भी इन इन कंडीशन है तो आपको क्या मिल जाएगा, ई डैश मिल जाएगा जो लास्ट डेस्टिनेशन थी, तो ई डैश आपका सेव हो गया, आउटपुट वर्टेक्स आपको मिल गई। अब हम चेक करेंगे ई डैश टू ए डैश, ये आपका मेन है क्योंकि ए जो है वो आपका बाउंड्री के बाहर है, एक इन कंडीशन है और एक आउट कंडीशन है। तो इन कंडीशन में आप जब चेक करोगे ई डैश, तो ई डैश से जब एरो जाएगा तो उससे बाहर जैसे निकलने से पहले उसको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो वो ई डैश तो पहले ही था ऑलरेडी, तो वो अपने ऊपर दो डैश और लगा लेगा ई डबल डैश, ठीक है। तो ई डबल डैश से चेक करेगा तो ए जो है वो बाउंड्री के बाहर है, तो ए ई डैश और ए में जब ई डैश टू ए ए चेक करेगा तो आपका जो सेव हो रहा है वो क्या सेव हो रहा है, ई डबल डैश, तो आपका जो आउटपुट वर्टेक्स है वो मिली ई डबल डैश। इस तरीके से आपका जो था टॉप भी क्लिप हो गया, आपका जो विंडो पे आपकी चारों साइडें क्लिप हो गई। अब जो आपको क्लिप पॉलीगन मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला है, आप देख लीजिए कि जो है वो सारी सारी जो है जो भी जितनी भी चीज़ आई है विंडो के अंदर आई है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या हुआ, क्लिप पॉलीगन मिल गया। आई होप ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो इसके एक दो न्यूमेरिकल और देख लीजिए, बहुत सारे नेट पे पड़े हुए हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।